हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बताया कि धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट बीजेपी कार्यकर्ताओं का मेला था। ये इन्वेस्टर मीट किसी भी दृष्टि से नहीं लग रही थी। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आरबीआई से 1,75,000 करोड़ सरकार ने छीने हैं और ये पैसा देश की प्रगति में नहीं बल्कि बड़े औद्योगिक घरानों को कर्जों में राहत देने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रीयकृत बैंकों में लोगों का पैसा सुरक्षित नहीं है। इन सारी बातों को लेकर कांग्रेस ने चंबा से लेकर शिमला तक का विभिन्न स्तरों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में पहले से स्थापित उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है। धारा 118 के साथ छेड़छाड़ करने का भी प्रयास हो रहा है, इसलिए उन्होंने हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर बाई एस परमार के कृषि पर हिमाचल बचाओ अभियान चलाया था। उन्होंने कहा कि भाजपा पंचायती राज से जुड़ी संस्थाओं को तोड़ने का प्रयास कर रही है। पूरे प्रदेश में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को विभिन्न मंचों पर अनादर एवं अपमान किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि लवी मेला आयोजन में जिस तरह से विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता का अपमान हुआ है, ऐसी घटनाओं को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि भाजपा का ग्राफ तेजी से गिरता जा रहा है। पिछले हरियाणा महाराष्ट्र के चुनाव में ये सब देखने को मिला है। विधायक नंदलाल रामपुर ने कहा कि लवी मेले की सांस्कृतिक संध्या में जिस तरह से उनका अपमान किया गया है, उसे देखते हुए एसडीएम रामपुर बुशहर के खिलाफ विधानसभा में प्रिविलेज मोशन लाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन के लोग इल टॉक कर रहे हैं, भी सरकारी तंत्र की तरह काम न कर किसी पार्टी के विशेष के लिए काम कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जिला सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने दिवाली के समय में मिठाइयों की दुकानों से सैंपल भरे थे। चलते मिठाइयों विक्रेताओं में हड़कंप मच गया था। शहरवासी भी इस कार्यवाही को बहुत अच्छा मान बैठे थे और उन्हें उम्मीद थी कि वह कौन सी मिठाई खरीदे ताकि उनके स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ ना हो। लेकिन हद तो ये है कि ग्राहक मिठाई खाकर हजम भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मिठाई के सैंपलों की रिपोर्ट नहीं आई है। इस कार्यवाही को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये सैंपल महज खाना पूर्ति के लिए ही लिए गए थे और अगर इन सैंपलों की रिपोर्ट खराब भी निकलती है तो विभाग केवल दुकानदार पर मामला दर्ज कर जुर्माना लगाकर अपनी इतिश्री कर लेगा। लेकिन इस कार्यवाही से ग्राहक को तो फिर भी वही खराब मिठाई खाने को मिली, तो ऐसे में इस कार्यवाही का क्या फायदा। जब इसके बारे में असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी एलडी ठाकुर सोलन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिवाली के समय में उन्होंने दुकानों से मिठाइयों के सैंपल भरे थे जिन्हें किंडरगार्ट लेबोरेटरी में निरीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन अभी तक वहां से उन्हें कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि जब भी सैंपल लेबोरेटरी में भेजे जाते हैं तो 14 दिनों में उन्हें रिपोर्ट मिलनी चाहिए, जिसके लिए वे 15 नवंबर तक इंतजार करेंगे और अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो वे इसके बारे में फूड विश्लेषक को सूचित करेंगे। सोलन स्थित राज्य शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद सोलन में जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से एक दिवसीय राज्य स्तरीय नेशनल रोल प्ले कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के 10 जिलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। सामाजिक कृतियों पर अपने नृत्य के माध्यम से संदेश भी दिया। नुक्कड़ नाटकों का उद्देश्य मादक पदार्थों का उपयोग, युवाओं के जीवन पर असर और दुष्प्रभाव, चाइल्ड एब्यूज और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव पर रखा गया था। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों ने सामाजिक कुरीतियों और सोशल मीडिया के फैलते जाल नशे का दुष्प्रभाव पर नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से संदेश दिया है। जनसंख्या शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक हेमराज शर्मा ने बताया कि सामाजिक कुरीतियों पर जागरूकता लाने के लिए प्रदेश के स्कूली बच्चों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा मीडिया का किस तरह से दुष्प्रभाव आज के दौर में देखने को मिल रहा है और वो आने वाले समय के लिए कितना घातक हो सकता है, उसके विषय में नाट्य मंचन भी किया गया। उन्होंने बताया कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली में होने वाले राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।